वेलकम मैं आपका अपने YouTube चैनल Iconic Tech पे। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नया फ़ोन खरीद रहे हैं, चाहे आपका कोई फ़ोन चोरी कर लिया है, कोई मतलब पॉकेट से चुरा लिया है, कहीं से आपका फ़ोन गुम हो गया है, तो आपको इस बात का डर रहता है कि यार वो बंदा आपका फ़ोन लेके कुछ गलत काम ना करे, कुछ गलत चीज़ ना करे जिससे कि आपको पुलिस पकड़ सके, चाहे आपके खिलाफ़ FIR दर्ज हो जाए। तो आप चिंता मत करो, सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि टेलीकॉम ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पर जाकर 1.5 से 2 मिनट में आप अपना इन्फॉर्मेशन, मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्लस आपने अगर पुलिस में आपने अगर FIR दर्ज कराया है तो उस FIR की कुछ कॉपीज वहाँ पे डाल के आप 1.5 से 2 मिनट में उस पोर्टल पे जाके आप अपने फ़ोन को ब्लॉक करा सकते हो। और सच बता रहे हैं, ये ब्लॉक कराने के बाद जो भी बंदा आपका फ़ोन चुराया है ना, वो उसके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं पकड़ेगा। समझ लीजिए वो एक फ़ोन आपका डब्बा हो जाएगा और वो बेचारा फेंक देगा। और दूसरी बात, जो बंदा चोरी किया ना, या तो वो चोरी करना ही छोड़ देगा या तो कभी चोरी करेगा ही नहीं। सो चलती मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको मैं पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। चलते हैं। सो गाइस देखिए आप अपनी स्क्रीन पे आ गए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो अच्छी बात है, लैपटॉप नहीं है नॉर्मल फ़ोन से कर रहे हो तो आप नॉर्मल गूगल क्रोम खोल के डेस्कटॉप साइट पे जाना है। उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन पे जाकर करना है CEIR.gov.in पे आपको सर्च करना है। कि ये खुलने के बाद आपका, जैसे देख रहे हो मेरा डेस्कटॉप मोड पे है। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिख के आ रहा है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ब्लॉक स्टोलेन लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल एंड चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। सो गाइस यहाँ से जाके आप अपने जो चुराए हुए फ़ोन है, जो बंदा आपका फ़ोन चुराया है, यहाँ से जाके अपने फ़ोन को ब्लॉक करवा सकते हैं। देखिए ब्लॉक स्टोलेन लॉस्ट मोबाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टोलेन मोबाइल। सो यहाँ पर आप जाके पूरे अपने इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं कि जो भी बंदा आपका फ़ोन गायब किया, जो फ़ोन चोरी किया है। देखिए मोबाइल नंबर 1, अगर आपके फ़ोन में 2 सिम है तो मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, IMEI नंबर पे IMEI नंबर 2, डिवाइस ब्रांड यानी कौन से ब्रांड का आपका फ़ोन है, डिवाइस मॉडल पे आपको डिवाइस मॉडल भरना है, अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस यानी कि जो मोबाइल का आपका इनवॉइस है वो भरना है। सेकंड पे आता है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, लॉस्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको लॉस्ट प्लेस यानी किस जगह पे गायब हुआ है, लॉस्ट डेट, सेलेक्ट स्टेट कौन सी स्टेट में, और इसके बाद आपको यहाँ पे भरना है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इस साइड में आपको भरना है सेलेक्ट पुलिस स्टेशन कौन से पुलिस स्टेशन था उस आसपास, पुलिस कंप्लेन नंबर, पुलिस कंप्लेन नंबर आपको क्लिक करना है, और आपने जो FIR करवाया है जो आपका फ़ोन गायब हुआ है, अपलोड पुलिस कंप्लेन पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके भर देना है। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे आता है मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अपना ओनर नेम, एड्रेस भरना है, अपलोड आइडेंटिटी, आइडेंटी नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर फॉर OTP यानी किस फ़ोन पे आपको OTP आना है। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करते ही आपको इसमें टिक क्रॉस टिक करना है, टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो सबमिट पे क्लिक करते ही गाइस ये पूरा आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी काम है वो आगे सरकार का काम है कि कैसे उस फ़ोन को ब्लॉक करवाना है। अब सेकंड नंबर पे गाइस आप पहले बैक आइए। बैक आने के बाद अगर आप कोई नया फ़ोन खरीद रहे हो, इस एग्जांपल के लिए आप कोई नया फ़ोन खरीदते हो, तो आपको ये देखना है कि अगर आप कोई नया सेकंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि वो फ़ोन तो चोरी वाला फ़ोन नहीं है। तब आपको अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आईडी भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, रीज़न फॉर अनब्लॉकिंग यानी कि किस का मतलब जो आप फ़ोन को अपना अनब्लॉक कर रहे हो कौन से रीज़न के लिए, और फिर मोबाइल नंबर फॉर OTP पे क्लिक करते ही गेट OTP पे क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो फ़ोन कैसा है। थर्ड नंबर पे आता है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करिए, उसके बाद है आपका चेक IMEI रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप आके एंटर रिक्वेस्ट आईडी पे अपना जो रिक्वेस्ट का आईडी है वो फिलअप करने के बाद सबमिट पे गाइस कर दीजिएगा। सो गाइस बस ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लास्ट में कि ये जो आपका वेब पोर्टल है ये करंटली महाराष्ट्र में, ध्यान से एक बार और सुनिएगा, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, बस यही 2 जगह पर इस चीज़ों को अभी लागू किया गया, यानी कि इस रूल को अभी लाया गया है, और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में रूल फॉलो किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए ही है। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और आगे वीडियो में आपको ऐसे ऐसे लेकर आऊँगा ना कि आप तो धक्का खा जाओगे देख के कि ऐसा भी होता है रियल में। सो अगर आपका फ़ोन गायब हो, चोरी हो, यहाँ से जाके पता कर लेना, सेकंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हो तब भी आप पता कर लेना कि फ़ोन चोरी का तो फ़ोन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।